अरे तुम लेते है कि लीवर है उठाए दो, धक्का दे दो तो उठ जाते बाकी तुरंत ही उठते, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और किसी की उठती है ऐसे? काउ की नहीं, किसी ट्रैक्टर की नहीं उठती है। मैं मेसी है मेरे पास, गाँव देसी ट्रैक्टर चलाओ मेसी। ये खुद झेल लेंगे, उसके बाद जो और बचेगा वो क्राउन की जेल में जाएगा, जिससे 100% गारंटी है क्राउन की जेल ना टूट लेगी। कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि मेसी ने कुछ लोगों की शिकायत रहती थी कि मेसी क्राउन की जेल बहुत तो होता है जी, अब भी और भी सुधार जो और भी जो सुधार किए हैं वो चीजें आप पहले क्या था जो भी तोड़ता था, मैं कह रहा हूँ चाहे 40 हो चाहे 43 हो चाहे वो कोई सा भी मॉडल हो, ठीक है, पहले भी शायद ठीक है देर को तोड़ता है क्योंकि के लिए वो होता क्या था, पहले जो होता था क्या दिन तक लोड जाता था कि जैसे पहियों के माध्यम से पहिया है, पहिये के माध्यम से सीधा लोड गया एक्सल के थ्रू क्राउन पिनियन पर, जो क्राउन पिनियन हो गया पहिये से लोड गया क्राउन पिनियन पर जो झटका लगा टूट जाता था। अभी क्या कंपनी ने क्या बदलाव किया, एक सन गियर दिया है इसमें, इसमें छोटे छोटे 3 सन गियर दिए है, उसका फायदा क्या है कि जो पहियों से एक्सल पर जो लोड जाएगा पहले इन 3 गिरारियों पर जाएगा, जो कि पूरा झटका लोड जो भी आएगा वो ये खुद झेल लेंगे, उसके बाद जो लोड बचेगा वो क्राउन पिनियन पर जाएगा, जिससे 100% गारंटी है क्राउन पिनियन ना टूट लेगी। देखो आप लोगों किसी को पता है कि मैसी ट्रैक्टर बंद ट्रैक्टर पर लिफ्ट उठा देता है? मैसी एक ऐसा ट्रैक्टर है जो बंद ट्रैक्टर पर भी लिफ्ट उठा देता है, किसी को पता है? नहीं पता ना, तो अगर हम नहीं थी उस चीज को बताएंगे तो आपको तो आज भी नहीं पता और आने वाले 10 साल में भी नहीं पता होगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आज ही मैसी ने बना दी हो, सन 1960 का भी ट्रैक्टर होगा उसमें भी वो टेक्नोलॉजी है और आज भी वही है, लेकिन फर्क कितना है कि हम लोग आपसे रूबरू नहीं हुए जिससे आपको पता ही नहीं है वो चीज। ट्रैक्टर बंद में बता दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं होता, मैं आपको बता दूं, लिफ्ट आपकी डाउन है, पीछे ब्रेक लगा लिया आपने, लीवर को आपने ऊपर कर दिया जिससे हम लिफ्ट को उठाते गिराते हैं, उठा लिया क्लच दबा लिया, एक आदमी ड्राइवर ये बैठ गया, करना कुछ नहीं है, जो अपना पुली पुली होती है ना पीटीओ उसको बस पाइपरी फंसा के पुली को बस ऐसे घुमाना है, ऐसे थोड़ा घुमाते रहो घुमाते रहो तो ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर आ जाएगी, घुमाना नहीं आप बिंदु की तरह से घुमा दे छोटी हो ना घुमा आ जाएगी, जैसे आपका ट्रैक्टर धक्का प्लेट है, एक मिनट धक्का प्लेट ट्रैक्टर है आपका, धान के बिना आपका ट्रैक्टर चल रहा है और कल्टीवेटर घूम नहीं रहा, ट्रैक्टर रहो तो वही चीज है बंद ट्रैक्टर पर आपको चलाने पड़ेंगे। अरे तुम लेते है कि लीवर है उठाए दो, धक्का दे दो तो उठ जाते बाकी तुरंत ही उठते, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और किसी की उठती है ऐसे? काउ की नहीं, किसी ट्रैक्टर की नहीं उठती है, मैं मेसी है मेरे पास, गाँव देसी ट्रैक्टर चलाओ मेसी। अन्य ट्रैक्टरों में वो नीचे होती है, देखी होगी शायद आपने, होता क्या है कि जब एक खेत से दूसरे खेत में जब जाते हैं ना तो साल में एक दो बार वो बेल्ट होनी होनी है, क्योंकि खेत कोई वो तो बना नहीं है, उल्टा सीधा चलाना है, इसकी जो साफ साफ देख रहे हैं ना बिल्कुल चेसिस के अंदर है जिससे आपकी कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। सबसे बड़ा फायदा ये है, फायदा बताऊं इसका जो फ्रेंचाइजर आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सील्ड है, एक मिनट इसका जो फ्रंट एक्सल है ना पूरा सील्ड है, धान की खेती में पानी में कीच में कुछ किसी ने भी चलाना आपको कभी भी पानी नहीं जाएगा आपके फ्रंट एक्सल में, अन्य कंपनियों का फ्रंट एक्सल देखना खुले हुए आते हैं, ये विशेषता है अन्य कंपनी से। सबसे बड़ी इस ट्रैक्टर की विशेषता है ना, चाहे वो 46 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर हो चाहे वो 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर हो, इतना बड़ा इम्प्लीमेंट लगा है, अगर आपकी लिफ्ट क्षमता अच्छी नहीं है तो क्या लिफ्ट वो ट्रैक्टर उस इम्प्लीमेंट को चला पाएगा? 20.5 क्विंटल की लिफ्ट क्षमता 40 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर में है, डायना ट्रैक में, मैं अपने दूसरे ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डायना ट्रैक 20.5 क्विंटल की लिफ्ट क्षमता उस ट्रैक्टर की, 20.5 क्विंटल की क्षमता इस ट्रैक्टर की, जब लिफ्ट क्षमता अच्छी होगी तो मशीन आसानी से चलाएगा, भारी इंप्लीमेंट आसानी से चलाएगा, ये सबसे विशेष खूबी है इस ट्रैक्टर की, जो कि 40 हॉर्सपावर किसी के पास 20.5 क्विंटल की लिफ्ट कैपेबिलिटी। भाई 4x4 है वो, 4x4 है
4x4 ही चला पाएगा, ये बात सही है आपकी। तो 4x4 और भी कंपनी आए, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा।